मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने हमारे इस इलाके में आकर हमारा मान बढ़ाया, हमारी इज्जत में इजाफा किया। हम इनके इंतहाई मशहूर हैं। इससे पहले भी मैं ये कह चुका हूँ कि उन्होंने मेरा इंतखाब करके हम कारकुनों पर एक एहसान किया है और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका इस बदला 13 दिसंबर बरोज जुमेरात को वोटों की ताकत से शेर पर मोहर लगा कर करे। दोस्तों, अब मैं हमारे MNA हरदिल अजीज शख्सियत जनाब राणा मुबशर इकबाल साहब को दावत दूंगा। पुरजोर इस्तकबाल कीजिएगा आपकी पुरजोर तालियों में जनाब राणा मुबशर इकबाल साहब। मेरे और आपके कायद मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब, हम उनको दिल की अदा ग्राहियों से वेलकम करते हैं। खड़े होकर प्रिंसिपल में नारे लगाए, सारे दोस्त खड़े होके खड़े होके आपने वेलकम किया है, इसी तरह 13 दिसंबर को वोट डाल के साबित करना है कि ये लोग मियां नवाज शरीफ से और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से और सबसे बढ़ के मेरे भाई हमजा शहबाज शरीफ से प्यार करते हैं। अब जब वोट देंगे फिर साबित होगा। यहाँ पर मेरे भाई मलिक प्रवेश साहब सदर मुस्लिम लीग में लाहौर, वो भी किसी फरमा है, और हमारे उम्मीदवार खानदादी साहब आपसे तकरीर कर चुके हैं। तो जिस तरह मैं तकरीर कोई नहीं करनी, एक वादा करना है हमने, वो वादा वफा करना है। हमजा भाई आपसे तकरीर करेंगे, हाथ खड़े करके वादा करो, वादा वफा करोगे करोगे इंशाल्लाह। वादा वफा आपने ये करना है कि आप 2-3 दिन जो इलेक्शन में बाकी रह गए हैं, एक एक घर का दरवाजा खटखटाओगे, एक एक घर पे जाके आवाज दोगे और फिर 13 दिसंबर को एक एक वोटर को पोलिंग स्टेशन पे ले
लाहौर मलिक परवेज साहब मेरे बड़े भाई तशरीफ लाए और अपने ख्याल का इजहार आपसे करें। हमारे कायद जनाब मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब, आज के होस्ट हमारे राणा नवशर साहब, राणा जाकर साहब और आप मेरे एमएलए एमपीए काउंसलर हजरात और जमीन इलाका सलाम अलैकुम। मैं आपके पास मुझे हमजा शहबाज साहब ने बतौर सदर मुझे तीन हफ्ते पहले इस इलेक्शन में कहा कि आज आकर इस इलेक्शन की तैयारी करें और इस इलेक्शन को जिसको कहते हैं कि बेहतर बनाकर आप मुझे बताएं, तो मैं आज उनको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ कि तीन महीने तीन हफ्ते या हर किस्म के दोस्तों ने काउंसलर हो लीडर ट्रेड के लीडर हो किसी और चीज़ के भी हो क्रिश्चन हो कोई और दिग्गर लोग हो तम तमाम लोगों ने अल्लाह की फजल से अपने सराहा उन्होंने कबूल किया और आज उसका मैं लक्ष्य देख रहा हूँ इतना बड़ा जिन्होंने मुझे
चलना सिखा रहा। जनाब मल प्रवेश साहब सदर लाहौर, मेरी बहन शाहिस्ता प्रवेश अल सरवा और जनाब मेयर लाहौर करूम अशरफ साहब और मेरे कायद जनाब हमजा शहबाज साहब और मेहनत की है और
अल्लाह के फजल से मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा फिर आपकी दुआओं से अल्लाह ताला शेर को कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। मैं शुरू दिन से एक बात कहता था कि हमने दिल पर पत्थर रख के असेंबलियों में हल्फ लिया, तमाम तर तहफुजात के बावजूद शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ साहब ने आम इंतखाबात की रात को कहा कि धांधली हुई, पाकिस्तानी आवाम के वोटों पर डाका डाला गया और आपने देखा कि ठीक डेढ़ महीने बाद जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिमनी इलेक्शन होता है, ख्वाजा साद रफीक साहब का जिमनी इलेक्शन होता है और न्याजी साहब जो इसी लाहौर के इलाके से वोट चोरी कर 2000 से जीते थे, ठीक डेढ़ महीने बाद 10,000 की लीड से हार जाते हैं। तो हमें पाकिस्तानी आवाम पर भरोसा है और कौम ने यहां भी इस सूबे में जहां पर शहबाज शरीफ ने दिन रात अपनी सेहत को दांव पर लगाकर इस सूबे की खिदमत की, यहां पर मेट्रो बस जब मैं आ रहा था तो नजर आता है मेट्रो बस और एक शख्स था जो मेट्रो बस को जंगला बस कहा करता था, याद है कि नहीं याद है आपको? और फिर जंगला बस कहते कहते एक दिन उसको ख्याल आया कि ये जंगला बस तो बड़ी गरीब की सवारी है, इसका 75 अरब रुपए का पेशावर में मंसूबा चल रहा है, लाहौर वालों जाके जरा पेशावर देखो, मेट्रो बस तो नजर नहीं आती लेकिन पेशावर को न्याजी ने खंडर बना दिया है यार। और आज आप देखें डॉलर आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा आज उसको अपना कदर में इजाफा हुआ है, रुपया पाकिस्तानी तारीख में सबसे निचली सतह पर आ गया है, स्टॉक मार्केट आए दिन क्रैश होती है, लोगों के अरबों खरबों क्रैश मार्केट अपना स्टॉक मार्केट में डूब गए और आज पाकिस्तानी आवाम ये भी देख रही है कि आप एक गरीब आदमी का खोखा गिरा देते हो, आप किसी दिल्ली वाले के मुंह से उसके बच्चों का रोजगार छीन लेते हो, जहां पर कोई अपना गरीब आदमी 30 साल से कच्ची छत बनाकर बैठा हुआ है उसको बुलडोजर से हटा देते हो और ये काम ये जुर्म जो है ये इस सूबे के हर जिला में उड़ा है और लोग झोलियां उठाकर दुहाइयां देते हैं कि हम कहां जाएं, लेकिन उसी पाकिस्तान में न्याजी साहब के नए पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बनी गाला के रजाई से हटाए जाओ, जब बनी गाला की बारी आती है तो गरीबों की झोपड़ियां गिराने वालों को सांप सूंघ जाता है, तो ऐसा नया पाकिस्तान न्याजी साहब आपको मुबारक हो इंशाअल्लाह। आज
ये लोग जो पाकिस्तान के बेटे बेटियां बुजुर्ग हैं, 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह ये फैसला करेंगे कि कंटेनर पर चढ़कर एक शख्स कहा करता था कि पाकिस्तानियों, अगर मैंने मुझे कर्ज लेना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन कर्ज नहीं लूंगा। वो याद है कि नहीं याद है? और कभी कभी वजीर खजाना कहता है कि हम IMF के पीछे नहीं छुपेंगे। उससे अगले दिन IMF का वफद पाकिस्तान आता है और मसूद उनसे मीटिंग करते हैं। एक दिन इनका वजीर कहता है नहीं नहीं, बिजली महंगी नहीं होनी, और बिजली अगले दिन महंगी हो जाती है 16% से 350% गैस इन्होंने महंगी कर दी। और मैं कहता हूं कि न्याजी साहब, इज्जत अल्लाह की साथ देती है और कभी कभी अल्लाह ताला कुर्सी पर बैठा कर भी इंसान को बेनकाब करता है। और आज 100 दिनों का हिसाब कौन मांगती है? ये 100 दिनों का फंदा आपने भी खूब गले में डाला था न्याजी साहब, आज जवाब दें कि 100 दिन में क्या किया? गरीबों पर महंगाई का तूफान किराया, गैस महंगी हुई, बिजली महंगी हुई, डॉलर निचली उचली तरीन सतह पर चला गया, पाकिस्तानी कौम पर कर्जा बढ़ गया। और अभी अभी जो है स्टेट बैंक ने कहा है कि इन 100 दिनों में कई हजार अरब कर्जा जो है उसका इजाफा हुआ है। तो आज एक शख्स कहता था कराची में कि ये IT बदल गया है, ये सियासी बुनियादों पर IT बदला है, नए पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तानी कौम जानती है कि IT को चपरासी की तरह फारग कर दिया जाता है। और फिर वो जो कहते हैं ना, मेरा इंजमाम प्लस है बुजदार साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है, मेरी तौबा में आईना ये काम नहीं करूंगा। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम से कि आप कहते हैं कि हमें विरसे में सब कुछ मिला, और मेरे भाई न्याजी साहब उधर खैबर पख्तूनख्वा में जरा जाके देखो, 5 साल करोड़ों रुपया खर्च करके भी एहतसाब का इरादा खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने 5 साल नहीं चलने दिया। आज शहबाज शरीफ को 2 माह से ज्यादा हो गए गिरफ्तार किए हुए, और मैं कहता हूं पाकिस्तानी कौम को, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला जिसे इज्जत देता है उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। ये 100 पेशों से ज्यादा भुगतने के बाद नवाज शरीफ के फैसले में लिखना पड़ जाता है जज साहब को कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुरप्शन साबित नहीं हुई। और आज देखो शहबाज शरीफ गिरफ्तार है, और आज के अखबारों में जज साहब ने एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि नैब कागजी कार्रवाई करता रहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ किक पैक्स और कॉन्फ्लिक्ट साबित नहीं कर सका। तो मैं गुजारिश करता हूं, न्यायी साहब कहते मैं 50 लोगों को गिरफ्तार करूंगा, फिर उनका बोगस जो है वो उनसे छुपाया नहीं जाता, न्यायी न्याय के पीछे छुपता है। और पता लगता है कि आधी कबीना जो है उन पर न्याय के रेफरेंस। और न्यायी साहब मुझे आज कहने दे कि आप शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करते हैं, आप 50 करोड़ की बात करते हैं, ये कौम जानती है कि 10 साल जब मेरे खानदान को जरा कर दिया गया था
शरीफ के खिलाफ पूरे छापे नहीं हुई। अब बात यहाँ खत्म होने वाली नहीं है। अब ये कौम पूछती है, ये कौम के बेटे पूछते हैं, बुजुर्ग पूछते हैं, माए बहने दादे पूछते हैं कि वो मिस्टर क्लीन बनने वाला पहले अपनी बहन अलीमा खान का जवाब दे। अलीमा खान की भी असर करती है। बड़े भाषण देते हो और आज मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि ये रियाजी साहब खुद भी इनका दामन साफ नहीं है। आज भी नैब के अंदर इनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर सरकारी हेलीकॉप्टर को सैर सपाटे करने का केस मौजूद है। तो रियाजी साहब अगर अखबार की जरूरत है ना, अगर अखबार की जरूरत है ना, तो फिर जरा बताओ पाकिस्तानी कौम को कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर में कितने सैर सपाटे किए, कितने करोड़ों का आपने फ्यूल जो है सरकारी फ्यूल आपने अपने सैर सपाटों में बर्बाद किया। और मैं बताना चाहता हूं जो अल्लाह से डरते हैं ना, वो न्याजी साहब न आपसे न आपके वजीरों की गीदर पक्कों से डरते हैं। हमने आमिरों का मुकाबला भी किया है और इंशाअल्लाह आपके झूठ का भी मुकाबला करेंगे। और बताओ मुझे जरा आपके देखते हुए हाथ हाथ लगेंगे कि जो शख्स ये कहे, जो शख्स ये कहे कि मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि वो लीडर ही नहीं होता जो झूठ ना ले, ये पाकिस्तानी कौम को नौजवानों को ये क्या सबक पढ़ा रहे हो यार, को खुदा का खौफ करो। और आज भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं किया, एक काम अच्छा किया है न्याजी साहब ने, वजीर आजम हाउस की भैंसों की निगरानी कामयाब की है। और अब जब एक मुल्क मुआशी बहरान का सामना कर रहा है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, ताजर बैठने को पता है जब डॉलर बढ़ता है। और ऐसा खुद कहते थे कि आज डॉलर इतना बढ़ गया, इतने हजार कर्ज हो गया, तो आज भी ऐसा हिम्मत पकड़ो ना, बताओ जब 18 रुपए डॉलर गिरता है, जब पाकिस्तानी कौम पे कर्जा चढ़ता, तो बताओ कि ये मेरी हुकूमत में कर्जा इतना कौम पे चढ़ गया। लेकिन आपको अल्लाह ताला ने सच बोलने की तौफीक नहीं दी। सच सुनना है तो इन लोगों के पास जाओ, गलियों में जाओ, चौराहों में जाओ और इनसे पूछो कि इन्होंने किसको वोट दिया था। तो हर कोने से आवाज आई कि हमने शेर को वोट दिया था। देखो जाके वहां पर जाते हैं चीफ जस्टिस साहब और कहते हैं कि ये नया पाकिस्तान है जहां पर बिस्तर नहीं है, अस्पताल खराब है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, झूठ के पैर नहीं होते, एक झूठ बोलने से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और हम चाहते हैं, हमने बड़ी बड़ी ऑपोजिशन देखी है, हमने मार्शल अदवार देखे हैं, हम चाहते हैं न्याजी साहब कि आप और झूठ बोले, लेकिन झूठ बोलने से इस 22 करोड़ आवाम का पेट नहीं भरता है। आपको या तो काम करना पड़ेगा या फिर कौम से माफी मांगनी पड़ेगी कि हाँ मैं सिर्फ झूठ बोलता था, मुझे काम करना नहीं आता। आए रोज कोई ना कोई वजीर तमाशा लगाकर पार्लियामेंट में लड़ाई कराता है और फिर उसका चेयरमैन सेनेट उसका दाखिला बंद करते हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? आप अपना जो है वो बुक और हसद में भरे हुए हैं।
जो भी गिरफ्तार होता है वो उस चीज रूम का एमएनए होता है, एमपीए होता है। आपके काबीना के अंदर लोग बैठे हैं, तकड़ी तोड़नी है तो फिर पूरी तोड़ो, हिसाब करना है तो पूरा करो। और आज दया में भाषा डैम बनाने की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ ने इस कौम से वादा किया था 2013 में जब 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती थी कि इंशाल्लाह हम लोड शेडिंग के अंधेरों को हमेशा की तरह उजालों में बदल देंगे। और अब पाकिस्तानी कौम ने देखा कि बिजली के मनसूबे इतनी रफ्तार से लगे कि चीन जैसे मुल्क ने कहा कि ये लोग काम करना जानते हैं। 50 अरब डॉलर की सरमाकारी चीन ने की और बिजली के मनसूबे लगे पाकिस्तानियों 70 साल में 12-15 हजार मेगावाट बिजली पैदा हुई। और 2013 से 2018 तक जब मुस्लिम लीग का दौर था अल्लाह की मदद से हमने इस मुल्क में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। और आपको पता होना चाहिए कि आज आपका हमसाया ये बात करता है और इंशाल्लाह ये उनका ख्वाब हमेशा की तरह चिकना चूर होगा। वो कहता है कि हम पाकिस्तान को प्यासा मारेंगे, लेकिन आपको इस बात का भी अदराक होना चाहिए कि द्यामर भाषा डैम की जमीन जो कि 48,000 एकड़ है, 122 अरब मालियत की है, वो नवाज शरीफ ने अपने दौर में खरीद ली थी कि इंशाल्लाह इस कौम की किस्मत में हम द्यामर भाषा डैम भी बनाएंगे। और आप कटे बेच लो, देसी मुर्गियां बेच लो, वजीरम हाउस की भैंसों की नीलामी कर दो, गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ के जंगला लगा के तमाशा कर लो। इंशाल्लाह ये आप तमाशा करते रह जाओगे, झूठ बोलते रह जाओगे। इंशाल्लाह मुस्लिम नून नवाज शरीफ की क्यादत पे क्या हमें भाषा क्या हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों, आप नजराती लोग हैं, आप वफा वाले लोग हैं। और मैं बताऊं, आप मेरा नारा लगाते हैं, नवाज शरीफ का नारा लगाते हैं, शहबाज शरीफ का नारा लगाते हैं, और मुझे आपके नारों से प्यार की खुशबू आती है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप प्यार करते हैं तो अल्लाह के फजल से मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। और बात सुनो, आई लव यू अम्मा साहब, आई लव यू अम्मा साहब, आई लव यू अम्मा साहब, आई लव यू अम्मा साहब। घर सुनो मेरी, आई लव यू अम्मा साहब। PP168 वाले हो वो साडा मुकाबला उस पार्टी नाल है जरा इलेक्शन नहीं लड़ती, वो वोट चोरी करती है भाई। मैं कह के अखां खुलियां रखना, कान खुले रखना, वो कहते थे मेरे तरह रहना, जागते रहना, मेरे तरह रहना। तो ये आज 9 तारीख हो गई है, 13 तारीख को इलेक्शन है, हाथ